और आज प्रचार का अंतिम दिन है। पौड़ी संसदीय सीट के प्रत्याशी अनिल बलूनी के समर्थन में ऋषिकेश के चंदेश्वर नगर में बड़ी संख्या में रह रखे पूर्वांचल के वोटरों को साधने के लिए भोजपुरी गायक और बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने जनसभा को संबोधित करके अनिल बलूनी के पक्ष में वोट मांगे और कहा कि इस बार 430 पार अनिल बलूनी के प्रति लोगों का प्यार है जो इस भीषण गर्मी में यहां पहुंचे हैं। मुझे लगता है 430 पार हो जाएगा। मैं अभी महाराष्ट्र से आ रहा हूँ, असम से आ रहा हूँ। आज उत्तराखंड में इतनी जगह गर्मी है, उसके बाद भी ऐसे लोग खड़े हैं। ये नरेंद्र मोदी जी के प्रति विश्वास है और हमारे अनिल बलूनी जी जो यहाँ से खड़े हैं उनके प्रति प्यार है और अब की 400 पार। चुनाव प्रचार खत्म होने में कुछ घंटे से भी कम ही वक्त बाकी बचा है, लेकिन बीजेपी को टक्कर देने की बात करने वाली कांग्रेस के दो बड़े नेताओं को इतना भी वक्त नहीं मिला कि पांचों सीटों पर प्रचार कर पाए। और कांग्रेस के इन्हीं दो बड़े नेताओं के बीच 2022 के विधानसभा चुनाव में प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने की होड़ थी। इस बार ऐसा क्या हो गया, आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। कांग्रेस के दो बड़े नेता हरीश रावत और प्रीतम सिंह चुनाव प्रचार कैसे किया जाता है दोनों नेता ठीक से जानते हैं। दोनों कांग्रेस पार्टी का चेहरा है। 2022 के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर टक्कर भी इन्हीं दोनों में थी। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि सबकी चाहत वाले हरीश रावत और कैंपेन कमेटी के चेयरमैन प्रीतम सिंह पूरे प्रदेश में प्रचार नहीं कर पाए। बेटे वीरेंद्र रावत को हरिद्वार से उम्मीदवार बनाने के बाद हरीश रावत वही प्रचार करते रह गए, बाकी चार सीटों में उनका चेहरा नजर नहीं आया। कैंपेन कमेटी के चेयरमैन प्रीतम सिंह का फोकस टिहरी सीट पर रहा। एक दो बार हरिद्वार और नैनीताल सीट पर दिखे, पर पौड़ी और अल्मोड़ा नहीं पहुंचे। कांग्रेस का कोई पोस्टर इन दोनों नेताओं की फोटो के बगैर नहीं चमकता। तो आखिर इस बार ऐसा क्या हो गया कि दोनों सब जगह नहीं घूमे? मेरा तो जो भी हो कोई बात नहीं, मैं एक व्यक्ति बात तो हूँ, लेकिन जो मुझसे प्रेम करने वाले लोग हैं मैं नहीं चाहता कि उनको उनकी हार हो। तो मैं उनकी जीत को सुनिश्चित करने के लिए जो मुझसे प्यार करते हैं वो जीतें, इसके लिए हरिद्वार के अंदर पूरी समय और शक्ति लगा करके काम कर। समय का भी अभाव था और समय का अभाव होने की वजह से दो जगह जाने में जो है कठिनाई हुई है। इतने संसाधन भी हमारे पास नहीं है, हमारे पास हेलीकॉप्टर नहीं है कि हम जो है उसके माध्यम से जा पाते, लेकिन फिर भी हमने कोशिश की है, प्रयास किया कि जितनी जगह हम जा सके उतनी जगह जाने का हम काम करें। चुनाव में कांग्रेस बीजेपी को हराने का दावा तो करती है, लेकिन उसी कांग्रेस के बड़े नेता पहले चुनाव लड़ने से इनकार करते हैं और जब उम्मीदवार तय हो भी जाते हैं तो इन दो सबसे बड़े नेताओं को पांच लोकसभा सीटों पर आखिरी दिन का प्रचार की फुर्सत नहीं मिलती। दीपांकर भट्ट, न्यूज 18, देहरादून। हरिद्वार से खबर आ रही है जहां पर कांग्रेस के नेता हरीश रावत और कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र रावत ने गंगा स्नान किया है। हर की पैड़ी पर गंगा स्नान के बाद दोनों ने गंगा पूजन किया। इस दौरान कई कांग्रेसी नेता भी यहां पर मौजूद रहे। देख सकते हैं आप दोनों कांग्रेस के नेता जहां पर गंगा स्नान करते हुए नजर आए। हरिद्वार से कांग्रेस के प्रत्याशी वीरेंद्र रावत हर की पैड़ी पर गंगा पूजन करते हुए और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं।